मुझे तो समझ नहीं आ रहा वी नीडेड हर। थोड़ा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है और इसे यहाँ क्रिएटिव असिस्टेंट की जॉब मिल रही है। पता नहीं ऐसा क्या है इसमें। मैं 4 बजे तक हूँ, उसके पहले जितनी भी अपॉइंटमेंट से खत्म कर लो। ठीक है। गुड मॉर्निंग। कौन है ये तोता परी? बोल सर। वो कंटेंट डिपार्टमेंट में नई क्रिएटिव असिस्टेंट ज्वाइन की। स्वाति, बॉस ने तुम्हें बुलाया। Yeah. Welcome to the team, Swati. Thank you so much for this opportunity, sir. I promise I'm gonna make you very proud. बस यही enthusiasm देखना चाहता था। Now note it down. 9875. अपना number दे रहा हूँ। Notes के लिए नहीं, मतलब तुम्हारे personal use के लिए। कभी भी मेरी जरूरत पड़े एनी टाइम यू कैन कॉल मी। दैट्स द काइंड ऑफ अ बॉस आई एम। देखो मेरे पास भी तुम्हारा नंबर आ गया। नो ओके। ओ सर, ओ ऑफिस के बाद आज कॉफी पर चलते हैं। लेट्स गेट टू नो ईच अदर वेल। सर एक्चुअली छोटे शहर से हो ना तुम, नासिक से हो। मुंबई जैसी सिटी में सक्सीड करने के लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है स्वीटी। और तुम्हारी प्रमोशन डिमोशन सब मेरे हाथ में। यू विल मेक मी प्राउड, रिमेंबर? एक्चुअली आज मॉम डैड के साथ डिनर पे जाना है, फर्स्ट डे है ना। कोई बात नहीं, हम कल चल रहे हैं। कल स्वाति, वो क्लाइंट को जो कोटेशन भेजी थी उसकी फाइल लेके मेरे केबिन में। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्या हुआ सर? कल मैंने पूरी रात तुमको कितने मैसेजेस किए, तुमने एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया मुझे। सर वो नो एक्सक्यूजेस। सॉरी सर। सर ये क्लाइंट का कोटेशन मेल है। फाइन, पहले काम कर लेते हैं। क्या कह रहा था क्लाइंट? क्लाइंट कह रहा था कि इस सेटअप में आप उन्हें पूरा लोकेशन दे पाएंगे या नहीं। आल्सो उन्हें बहुत बड़ा बंगलो चाहिए उनके एक्टर्स के लिए, तो उसको प्राइवेट रूम्स देंगे या नहीं देंगे। बैठो 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 बैठो।
बहुत टेंस्ड हो तुम हो सर क्लाइंट का कॉल आ रहा है मैं आती हूँ आप लंच करने आ रहे हैं क्या हम लोग सब साथ में मिलकर कैंटीन में लंच करते हैं आप लोग चलिए मैं आती हूँ क्या कह रहा था क्लाइंट चिंता मत करो आपका कैटरैक का ऑपरेशन बहुत अच्छे से होगा I am strong. मुंबई जैसी सिटी में सक्सीड करने के लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है स्वीटी बॉस ने तुम्हें क्रिएटिव असिस्टेंट से डायरेक्टली प्रोजेक्ट हेड बना दिया वो भी इतने जल्दी कॉन्ग्रेचुलेशंस स्वाति मुझे पूरा यकीन है कि ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बहुत अच्छे से संभालोगे कम आई हैव समथिंग फॉर यू ये है तुम्हारा पर्सनल केबिन कैसा लगा मेरा सरप्राइज ऑनेस्टली सर आई डोंट थिंक आई डिजर्व दिस मुझे कुछ ही दिन हुए यहाँ पे आके और मुझसे डिजर्विंग कितने सारे लोग हैं यहाँ पर बट नो वन इज एज सेक्सी एज यू आई मीन नो वन इज एज स्मार्ट एज यू सी तुम मेरे साथ कॉफी पीने नहीं चलना चाहती ना मत चलो आई गेट इट कि कोई देख लेगा तो क्या कहेगा कि मैं तुम पे फेवर्स कर रहा हूँ एंड ऑल मैंने ना पास की होटल में एक रूम बुक किया है शाम को मेरा असिस्टेंट तुम्हें पिक करने आ जाएगा एक एक ड्रिंक पियेंगे थोड़ा एंजॉय करेंगे आखिर तुम्हारी सक्सेस भी तो सेलिब्रेट करनी है ना सर अभी कोई जवाब नहीं चाहिए मुझे सी मुंबई जैसी जगह में इतनी आसानी से इतनी अच्छी जगह जॉब नहीं मिलती है सो डोंट टेक इट लाइटली और मेरा असिस्टेंट बता रहा था कि तुम्हारे डैड का कैटरैक का ऑपरेशन भी होना है सैड थिंक अबाउट इट हाँ बट नॉट आराम से शाम तक
मिलते हैं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, खुशी के आंसू है। किसी ने कभी कुछ नहीं किया? हाँ, कुछ नहीं किया। सम लेट द जॉब और कुछ पिछले 6 साल से वही है जहां थी। नो प्रमोशन, नो फेयर गेम, नथिंग। मजबूरी है, करना पड़ता है। तो तुम्हारे साथ भी ये हुआ है? वो छोड़ो, मॉरल ऑफ द स्टोरी, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो जो भी करना, सोच समझ कर करना। बट ही शुड बी पनिश्ड फॉर दिस। ही इज द बॉस, उसके पास सारी पावर है। और तुम क्या करोगी? तुम भी तो यहाँ बच्चों की तरह बैठ कर रो रही हो। यू डोंट हैव अ सुपर हीरो टू सेव यू। ओके, you're powerful, you're beautiful, you're capable. Good girl. Is this lipstick for me? कहाँ जा रहे हो? मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही। आप हमारे बॉस हैं। आपका हक बनता है कि आप हमें डांटे, सिखाए, पर आपका हमें वर्कप्लेस पे हरास करने का कोई हक नहीं बनता मिस्टर विनय। क्या? हरेसमेंट? एक्सक्यूज मी, हरेसमेंट? हरेस नहीं कर रहा हूं मैं, प्यार कर रहा हूं। प्यार प्यार होता है, भले एक दिन के लिए करो, और इस प्यार पे ही ना तुम्हारी जॉब भी डिपेंडेंट है। सो कम ऑन, डोंट टेल मी कि तुम यहाँ पे मुझे धमकी देने आई हो, ये ऐसे पिंक लिपस्टिक लगा के तैयार होके। साफ दिख रहा है कि मुझे एंटाइज करने आई हो। मिस्टर विनय, मेरा लिपस्टिक का कलर या मेरा पहनावा ये मेरे लिए है, आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। और आपको कोई हक नहीं बनता मेरे लिपस्टिक के कलर की वजह से मुझे हरास करने का। आज सुबह से मैं सहमी हुई थी, बट जब मुझे पता चला कि आपने ऑफिस की सारी लड़कियों को हरास करने का ट्राई किया है ना, तब मुझे मेरे आई बाबा की एक बात याद आ गई कि कभी कभी ना चाहते हुए भी लड़ाई करनी पड़ती है, और जब ऐसा मौका आए तो डरना नहीं, सिर्फ लड़ना। क्या कर लेगी तू, क्या कर लेगी है? तेरे जैसी ना यहाँ पे बहुत आई है और बहुत चली गई है, समझी? तुझे इसी वक्त अभी निकाल रहा हूं जॉब से, चल निकल। इफ प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 आर इनवोक्ड, द पुलिस माइट बी इन्वॉल्व्ड। But if the police refuse to register a complaint, the workplace harassment victims must reach out to the magistrate. But guess what? The police might be here any moment. Police? कोई believe नहीं करेगा तेरी बात पे। ये जो तू सब करेगी ना, इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। तेरी बदनामी होगी, शादी भी नहीं होगी तेरी। बदनामी तो उसी की होगी जो गलत है मिस्टर विनय। और रही बात ना बिलीव करने की, ना मेरे पास आपके खिलाफ गवाही देने के लिए लोग हैं। ये जा जा जा, जिसको जो जाके बोलना है बोलो, कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करने वाला है।
और तुम जैसी लड़कियों के कारण ही ना मैंने अपने केबिन में एक भी सीसीटीवी नहीं लगवाया है। कोई सबूत भी नहीं है तुम लोगों के पास। जा, जो बोलना है बोलो, मैं इसको तुम दोनों की साजिश बना के खत्म कर दूंगा। चलो जाओ, गेट आउट। क्या क्या है? मेरे पास काफी सबूत है आपके खिलाफ, जो आपको जेल भेजने के लिए बहुत है। अब बस किस किस को झूठा साबित करोगे मिस्टर विनय? आपके बीवी बच्चों को भी बुलाया है, सोचा उन्हें भी मौका दिया जाए आपसे छुटकारा पाने का। Hit the bell icon and comment your favorite part below and subscribe. Shorts Kakida.